आज पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर सूबे के नौजवानों से वर्चुअल संवाद करेंगे, जिस पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए हैं। गृहमंत्री ने 15 महीनों के कार्यकाल में एक भी नौकरी दे पाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री से युवाओं को सवाल पूछने के लिए कहा है। गृहमंत्री ने सवाल किया, महंगाई भत्ता देने का घोषणा करने वाली कांग्रेस सरकार ने अब तक कितने लोगों को महंगाई भत्ता दिया है? कांग्रेस के प्रमाण पत्र की वैसे तो भाजपा को कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वो अच्छा है कि वो हमला करें, विपक्ष में है तो ये उनका काम है, पर ट्विटर के माध्यम, पेपर के माध्यम से नहीं, सड़क पे भी आके करें तो नौजवान उनको बताएगा कि उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, वो विरोध कर रहे हैं। जिनने एक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया वो विरोध कर रहे हैं, जिनने एक वैकेंसी निकाली नहीं वो विरोध कर रहे हैं। अरे हम वैकेंसी निकाल रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं, इसमें विरोध कैसा? आपको करना था आप नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं तो विरोध कर रहे हो। मेरी प्रार्थना है उनसे, नौजवानों से, कि वो कमलनाथ जी से जरूर पूछें आज कि 15 महीने में कोई भी एक नौकरी मध्य प्रदेश में वो दे पाए क्या। अगर ये दोनों के इन सवालों के जवाब माननीय कमलनाथ जी देते हैं तो मैं समझता हूं कि आज की चर्चा सार्थक होगी, अन्यथा अभी तक जैसा उन्होंने किया और कहा है वैसे ही आज की चर्चा होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक, कांग्रेस विधायक दल के सचेतक माननीय कमलनाथ जी को नेता प्रतिपक्ष बनने की मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं।